हाय गाइस, क्या हाल चाल तुम सभी लोगों के। बेसिकली यहाँ पर तुम सभी को पता है कि भाई आजकल जो सीजन चल रहा है ना, वो चल रहा है हुडीज वगैरह का, और बहुत सारे जो बंदे ना वो हुडीज पहन के घूम रहे हैं। बट यार एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस करता हूँ कि भाई जो लोग हैं ना वो यार हुडीज वगैरह तो पहन रहे हैं, लेकिन उसको ना एक्चुअल वे में कैसे पहननी है, उसको स्टाइलिश वे में कैसे पहननी है और उसको पेयर कैसे करनी है, बहुत से जो लोग हैं ना वो उनको ये नहीं पता। और मतलब जैसे मन वैसे हुडीज पहन रहे हैं, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं, मतलब कुछ भी। बट अगर आपको सीखना है कि भाई आप अपने हुडीज को कैसे स्टाइल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियोस पे आए हो, बिल्कुल सही बंदे के पास आए हो। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक हुडी से 4 different styles। मतलब अगर आपके पास कोई एक हुडी है ना, तो उससे आप 4 different styles बना सकते हो और आप पूरी विंटर्स में ना रॉक कर सकते हो। तो इस शो को लास्ट देखते रहना, बिना किसी देर के शो को स्टार्ट करते हैं। So recently I got my hands on this amazing hoodie from the brand XYXX, और ये navy blue color में है। और भाई इसकी जो quality है ना, वो इसके price के according काफी ज्यादा premium है, और इसका जो look है ना वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा classy है। और तुम ना भाई किसी भी color की जो hoodies वगैरह ना buy कर सकते हो, but मेरे पास यहाँ पर navy blue है, तो मैं इसको style करूंगा। इस video में मैंने सिर्फ तुम्हें एक idea दिया कि भाई तुम ना अपनी जो hoodies वगैरह है वो ऐसे pair कर सकते हो, और बाकी अगर तुम्हारे पास ब्लैक है, ब्लू है, कोई भी hoodies वगैरह, तो तुम इस आइडिया लेके उसको pair कर सकते हो और तुम पूरी विंटर्स ना काफी रॉक करने वाले हो। और इस नेवी ब्लू हुडीज को मैं पेयर करने वाला हूँ और इससे कुछ 4 outfit आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और यार इस हुडी की ना सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यार ये ना सुपर सॉफ्ट है और ये ऑल डे कंफर्ट है। और अगर तुम ऐसे स्पोर्ट्स गेम वगैरह खेलते हो, तुम जिम जाते हो या फिर लेट नाइट पार्टी वगैरह के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे तुम इस हुडी को पेयर कर सकते हो और ये काफी खतरनाक दिखने वाली है और मेरे भाई काफी हैंडसम लगने वाले हैं। लेकिन जस्ट इसको वियर करना कैसे है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो बढ़ते हैं आगे। नंबर फर्स्ट है ब्लैक बैगी जीन। जी हाँ, आप ना इसको ब्लैक बैगी जीन के साथ भी पेयर कर सकते हो। और ये जो हुडी है ना भाई, ये थोड़ी सी बैगी टाइप में है, इसीलिए मैंने इसको पेयर करा है बैगी जीन्स के साथ। और ऐसे जो लुक है ना इसका काफी तगड़ा लगता है और ये दिखने में काफी खतरनाक सा लगता है। बाकी जो ओवरऑल लुक है ना जो इसमें निकल के आ रहा है, वो तो हमें स्क्रीन पर देख ही सकते हो। नेवी ब्लू कलर की हुडी, ब्लैक बैगी जीन और नीचे स्नीकर, और ऐसे जो दिखने में जो आउटफिट है ना वो प्रॉपर काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई हुडीज वगैरह है, तो भाई तुमने उसको अपनी बैगी जीन्स के साथ एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और वो काफी तगड़ा लुक निकल के आने वाला है और तुम दिखने में काफी हैंडसम लगने वाले हो। नंबर सेकंड, ब्लैक लेदर जैकेट। जी हाँ, आपने इसको ब्लैक लेदर जैकेट के साथ भी पेयर कर सकते हो और उसमें भी जो लुक है ना वो काफी तगड़ा लगता है और इससे ना थोड़ी सी मैनली वाली फीलिंग आती है और तुम ना दिखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हो। मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें देखता है ना, तो भाई वो देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा भाई इस बंदे के पास तो कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप लुक वाइज, अपनी ड्रेसिंग सेंस वाइज ना काफी ज्यादा सॉलिड लग रहे होगे और मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होगे। तो अगर आपके पास कोई भी हुडीज वगैरह है, तो उसको ना आप अपने लेदर जैकेट के साथ भी पेयर कर सकते हो। अगर आपके पास व्हाइट हुडी है, तो आप ब्लैक लेदर जैकेट भी पेयर कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक हुडी है, तब भी आप ब्लैक लेदर जैकेट के साथ उसको पेयर कर सकते हो, या फिर ब्राउन लेदर जैकेट के साथ पेयर कर सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास नेवी ब्लू कलर की जैकेट है, तो मैंने इसको ब्लैक के साथ पेयर करा है, जो कि जो लुक है ना वो इसका काफी हॉट लग रहा है। यहाँ पर तुम खुद देख सकते हो। नंबर थर्ड, शॉर्ट्स। जी हाँ, जैसे यहाँ जब विंटर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, जब थोड़ा सा गर्मी का एहसास होने लग जाता है भाई, उस टाइम पे जस्ट तुम्हें करना क्या है ना कि तुम ऐसे आने जाने के लिए ना जस्ट तुम्हें करना क्या है कि शॉर्ट्स वियर करना है और अपने शॉर्ट्स के ऊपर जो हुडी है ना वो वियर कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरी शॉर्ट्स है ना वो है नेवी ब्लू कलर की, और जो मेरी हुडी है वो भी एक नेवी ब्लू कलर की है। और यहाँ पर जो प्रॉपर पेयर है ना वो काफी तगड़ा लग रहा है दिखने में, और हमारा जो आउटफिट है वो काफी अच्छा लग रहा है। और ऐसे करके जो तुम्हारी जो हुडी है ना उसको तुम पेयर कर सकते हो शॉर्ट्स के साथ, और जो तुम्हारा लुक है वो दिखने में काफी अच्छा लगने वाला है। अब यहाँ पर जस्ट मैटर वो करता है कि भाई तुम्हारे पास कौन से कलर की हुडी है और तुम कौन से कलर की शॉर्ट्स के साथ वियर कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल भी छपरी मत बना देना, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर तुम्हारे पास व्हाइट हुडी है, तो नीचे तुम ब्लैक कलर की जो शॉर्ट्स है वो वियर कर सकते हो, या फिर ब्राउन कलर की जो शॉर्ट्स है वो वियर कर सकते हो, या फिर तुम ब्लू भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ब्लैक हुडी है, तब भी तुम ये सारे कलर वियर कर सकते हो और तुम काफी अच्छे लगने वाले हो। नंबर फोर्थ, हुडी प्लस ब्लेजर। जी हाँ, आप जो हुडीज वगैरह होते हैं ना भाई, वो ना ब्लेजर के साथ भी पेयर कर सकते हो। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग है ना वो ब्लेजर के अंदर शॉर्ट्स वगैरह पहनते थे, मतलब वो अभी भी पहनते हो, ट्रेंड से कभी जा नहीं सकता। लेकिन जो नया ट्रेंड चालू है ना भाई, वो ये है कि मतलब बंदे जो सूट्स के अंदर ना हुडीज वगैरह वियर करते हैं, और इससे तुम्हारा लुक है ना वो भी काफी तगड़ा लगता है। मतलब ऐसे इसमें फॉर्मल और कैजुअल दोनों का मिक्सअप है। अगर तुम सूट्स वगैरह पहन रहे हो, तो उसके अंदर तुम हुडी पहन सकते हो और नीचे तुम कोई भी जो स्नीकर वगैरह ना वो वियर कर सकते हो, फॉर्मल शूज नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे जो लुक है वो काफी अच्छा लगता है अगर तुम ब्लेजर के ऊपर जो हुडीज वगैरह ना वो वियर करते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया दिया कि भाई जो हुडीज वगैरह होती है ना, तुम ब्लेजर के साथ भी वियर कर सकते हो, बट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तुम अपना खुद का डिसाइड कर सकते हो। अगर मेरा पसंद आ रहा है, तो तुम ये भी बाय कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वाली हुडी पसंद आई है, तो भाई मेक श्योर डिस्क्रिप्शन विजिट करना, बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से बाय कर सकते हो। और ये ट्रस्ट मी और नॉट, बट इस प्राइस रेंज में तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी ना
भाई शायद ही कहीं मिले, और मतलब बहुत तगड़ी क्वालिटी है और बहुत ज्यादा प्रीमियम है। मैं खुद इसको काफी टाइम से वियर कर रहा हूँ और भाई जो इसका कंफर्ट है ना वो काफी तगड़ा है, मतलब फील ही नहीं होता कि हमने कोई ऐसा ना अजीब सा कपड़ा पहन रखा है, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्सेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर तुम्हें बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर बाय कर सकते हो। मैंने ब्लू कलर का बाय किया, तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम जो भी बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। तो ये थी वीडियो और कुछ ऐसे 4 स्टाइलिश वेज जिससे तुम अपनी हुडीज को पेयर कर सकते हो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो बहुत नया सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो भाई मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल पर नए मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल क्या कहना है उस पर टैप कर देना, और जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो कर लेना, बहुत सारी मेरी फोटोज है वीडियोज है जाके उसको लाइक कर सकते हो, और बहुत सारी बकचोदी करते हैं, काफी मजा आता है। हम मिलेंगे उसकी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।